हेलो नमस्ते श्री कार्तिक यार चार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग आज खेलने वाले हैं जुरासिक वर्ल्ड एवोल्यूशन 2। तो गाइस जुरासिक पार्क जो मूवी आई थी उसी के बेस्ड पे ये मूवी है, सॉरी ये गेम है। तो बेसिकली जुरासिक पार्क मूवी आप लोग ने अगर नहीं देखी मैं बता दूं, उसमें एक मूवी में अंदर एक पार्क रहता है जिसके अंदर वो जो डायनासोर रहते हैं उनको पालते हैं। तो इसमें भी हमें वैसे ही करना है, एक पार्क को मेंटेन करना है। मे बी इसके अंदर हमें डायनासोर रखने होंगे, देखते हैं कोई खूंखार डायनासोर भी रहेंगे, कुछ नॉर्मल वाले डायनासोर भी रहेंगे, देखते हैं क्या होने वाला है। ओके यहाँ पर गाइज कैंपेन मोड है यहाँ पर। ओ भाई ये वाला डायनासोर, इसको ये सारे सीन मेरे को मूवी के लग रहे हैं पता नहीं क्यों। हाँ ये वाला गेट तो पक्का जुरासिक वर्ल्ड 1 मूवी का है, जुरासिक पार्क मूवी का। तो हमें कैंपेन खेलना है, स्टोरी मोड से स्टार्ट करते हैं हम लोग, देखते हैं। ओह जुरासिक वर्ल्ड, ओके दिस इज वेयर आवर स्टोरी बिगिंस। ओके कुछ तो स्टोरी बता रहा है बंदा। ओह भाई क्या ग्राफिक्स है गेम के, क्या लग रहा है भाई ये डायनासोर। सो नेचर डिड व्हाट इट डज एंड अनलीश्ड। ये मूवी का सीन है, ये मुझे याद है, ये सिटी के ऊपर अटैक करते हैं, ये कोई तो जुरासिक वर्ल्ड मूवी का सीन है आई थिंक, जिसमें इरफान खान था, ये वो वाली मूवी थी। ओह भाई एंड फॉर अ मोमेंट ओके यू रिमेंबर्ड हाउ प्रेशियस। हां ये हीरोइन थी इस मूवी की, मेरे को याद है ये मूवी बहुत अच्छी थी। हैज अ फनी वे ऑफ सॉफ्टनिंग आवर मेमोरी। ये गाइस गेम बहुत एक्साइटेड होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है ये गेम में। ये सारे के सारे सीन मेरे को लग रहा है मूवी के ही हैं। मैं कुछ सीन्स तो मैंने देख ही रखे हैं। ओके ये भाई ये देखो, इसमें मुझे लग रहा है बहुत सारी प्रजाति होने वाली है। ये सीन होता है यहाँ पर नीलामी होती है डायनासोर्स की, ये देखो ये सब नीलामी कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं एक्चुअली एक डायनासोर को। ओह भाई क्या खतरनाक लग रहा है भाई ये डायनासोर। एंडलेस साइकिल विद वन गो, पानी के अंदर कितना बड़ा डायनासोर, ये क्या है भाई। एंड दिस मींस दैट डायनासोर्स एंड ह्यूमैनिटी हैव टू फाइंड अ वे टू वर्क आउट देयर डिफरेंसेस। ओके काफी काफी मजा आने वाला है यार ये वाला गेम खेलने। तो गाइस लाइक कर देना सारे बंदे फटाफट से। चलो हम लोग भी अपना पार्क बनाते हैं। ओके कैंपेन एरिजोना, ओके पहला हमारा मिशन है शायद ये एरिजोना। और डॉक्टर यान मेलकॉम ये हमें बता रहे हैं कुछ तो एरिया के बारे में, मे बी एक डेजर्ट है। अच्छा यहाँ पर मुझे दो अलग अलग प्रजाति के डायनासोर दिख रहे हैं अभी के लिए। आई थिंक यहीं पर हमारा पार्क बनने वाला है। ओह ये डायनासोर वाकई में थे क्या ऐसे डायनासोर? पानी में पिए भाई, एकदम शांत डायनासोर लग रहे हैं। ये हमला करने वाले नहीं लग रहे, देख रहे हो इनका मुंह भी नॉर्मल सा है, ऐसा ये वाला डेंजरस सा भाई। ये खेल रहे हैं खा रहे हैं, मार दिया उसको, ये वाला तो खतरनाक है डेफिनेटली। सो वी आर लेफ्ट विद अ प्रॉब्लम ओके और एन अपॉर्चुनिटी। डिपार्टमेंट ऑफ फिश एंड वाइल्ड लाइफ, ओह दे हैव इग्नोर्ड माय वार्निंग्स बिफोर। Okay. But maybe this time with you, it's going to be different. Okay. तो ये बंदा अपने को गाइड करने वाला है कैसे हमें पार्क को मेंटेन करना है, उसके अंदर डायनासोर्स को कैसे पालना है। ठीक है लेट्स गो। Okay, listen to the mission brief. हमें यहाँ पर इस तरह आ रहा है। I guess an introduction is in order. I'm Cabot Finch, Assistant Director of the U.S. Department of Fish and Wildlife. Okay. I know it sounds important. Because it is. ठीक है यहाँ पर not get bogged down in labels and titles and organizational flowcharts. यहाँ पर गाइस एक पार्क टाइप बना हुआ है कुछ जिसके अंदर हमें शायद डायनासोर को लाकर रखना पड़ेगा। You'll be working with the experts. This is Claire Deering and Owen Grady. क्या चीज़ है? And yes, we have first-hand experience with the dinosaurs. Okay, Claire. Okay. I'm the former operations manager. हमें कुछ बता रही है भाई, बहुत कुछ बता रहे हैं अपने को, बेसिक नॉलेज दे रहे हैं ये पार्क के बारे में, डायनासोर्स के बारे में, अपने को पार्क को कैसे चलाना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, वो सब चीजें हमें बता रहे हैं। ओके तो गाइस हमें यहाँ पर एक बनाना है, क्या बोलते हैं इसको, रिस्पॉन्स फैसिलिटी बनाना है। $100 का भाई ये कहाँ लगाना है? ओके ओ यहाँ पर जगह बनी हुई है तो हम इसको फिट करके लगा देते हैं इस बक्से के बिल्कुल अंदर। और ये लग गया, अबे ये तो सिटी स्कैनिंग की तरह बिल्कुल, उसमें भी ऐसा ही बनता है भाई। वेट अच्छा इसमें हम इसको पॉज कर सकते हैं, डबल स्पीड कर सकते हैं, ट्रिपल स्पीड कर सकते हैं, तो सेम सिटी स्कैनिंग वाला ही फील है। और इसके जो कंट्रोल है मोस्टली वो वैसे ही है। ओके अब हमें यहाँ पर पावर लगानी है। ओके बैकअप जनरेटर है यहाँ पर, इसको हमें लगा देना है इसके अंदर।
इसके अंदर मे भी दो लग जाएंगे, तो मैं इसको थोड़ा, दो ही लगेंगे, चार तो नहीं लगेंगे, इस तरफ लगा देता हूँ। ये देखो भाई, ये भी बनना स्टार्ट हो गया। अब इसको बिजली चाहिए, और ये क्या चीज़ है भाई। ओके पाथ, इसको पाथ देना है अपने को, तो ये पाथ हमें यहाँ से लेकर, ये तो सेम सिटी स्काईलाइन जैसा भाई, जिसमें जैसे उसमें हम लोग रोड बनाते हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर हो चुका है, यहाँ पर सही हो चुका है। देखो भाई हेलीकॉप्टर भी आ गए, ओके एक गाड़ी भी खड़ी इधर। भाई मुझे लगता है अभी हम लोग को डायनासोर को पकड़ के लाना है, एक डायनासोर पकड़ने जा रहे हैं हम लोग अभी। ठीक है अभी ऊंचा उठ जा भाई, इसमें मत फंस जाना। ऊपर कैसे जाता है? ये आर से एम है, स्पेस एंड कंट्रोल से नीचे। ओके ओ, मेरे को सामने एक डायनासोर नजर आ रहा है, देखो। ओके बट इसको पकड़ूंगा कैसे मैं? ओके अपन ट्राई करते हैं। ओके फोटो तो नहीं लेना, आर एम मोड। ओके ठीक है, मेरे हाथ में गन है, ये रहा नीचे मेरे को। ओके भाई थोड़ा मुझे, एक मिनट थोड़ा इसको पीछे लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरा निशाना नहीं लग रहा उस पर, मैं इस साइड बैठा हूँ ना, यहाँ से लगाते हैं निशाना। ठीक है अब लग जाना चाहिए, हाँ अब लग जाएगा। और ओके लग गया निशाना, अब भाग रहा ही तो, एक और लग जा, अरे मिस हो गया, लग गया। ओ भाई क्या निशाना है, ओके ओ कुछ तो हो गया उसको, वेट ओके आई थिंक उसको बेहोश किया भाई, उसको मारा नहीं है, उसको बेहोश किया। अब अपने को इसको उठा के लेकर जाना है यहाँ से, मे बी यहाँ से कुछ तो रस्सी वस्सी फेंकेंगे नीचे, रस्सी से तो नहीं ले जा सकते, इसको पिंजरे के अंदर डालना पड़ेगा। मैं इसको नीचे उतार सकता हूँ क्या? ये नीचे नहीं उतरा भाई। ओके यहाँ पर कुछ तो ऑप्शन आया, ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन आया, सिलेक्ट टारगेट। ओके ये हमारा टारगेट है, इसको सिलेक्ट कर देते हैं। ओ ये क्या बन गया? ओके इसको, ओ समझ गया मैं, पार्क है हमारा, अपने को हमारा जो पार्क बनाओ ना जिसके जाली वाली है उसके अंदर इसको छोड़ना है, तो मे बी इसको यहाँ छोड़ देते हैं और देखते हैं वो लेके आते हैं। ओके हेलीकॉप्टर, ओ यहाँ पर आ गया हेलीकॉप्टर। ओ भाई गाइस देख रहे हो, ये बंदा, ये इसने नीचे फेंका पिंजरा भाई, इसको इसके अंदर कैद कैसे करेंगे? ये अपन देखते हैं ये कैसे करने वाले हैं। John Hammond was concerned about what would happen if dinosaurs lived in the wild. लग गई, और डायनासोर को उठा लिया हवा में। ओ ये सही है भाई, अब ये उठा के इसको लेके जाएंगे अपने सीधे पार्क में। ओके ये तो सही चीज हो गई, लेके क्यों नहीं जा रहा? अच्छा पहले अभी ऊपर लिफ्ट कर रहा है। ओके भाई ये ऐसा लग रहा है वैसे जैसे बिल्कुल ही मर गया हो। अपन इसको फॉलो कर सकते हैं क्या? नहीं फॉलो नहीं कर सकते, ये अपने आप ही लेकर जाएगा। ठीक है ना, सही है, अपने पार्क में लेकर आ जाओ भाई जल्दी इसको। मैं पार्क में जरा जाकर बंदोबस्त करता हूँ इसका। ओ ठीक है यहाँ पर देखो फ्लेयर है, तो अपने को दो फ्लेयर लगानी होती है, एक जहाँ पे वो जानवर पड़ा हुआ है और दूसरी फ्लेयर जहाँ पर अपने को इसको ड्रॉप करना है, तो ये अपने आप समझ जाते हैं। यहाँ पर पानी वानी का बंदोबस्त है, पेड़ पौधे हैं, और बाकी आई थिंक ये इलेक्ट्रिक शॉक देकर इन्होंने ये पिंजरा बनाया हुआ ताकि डायनासोर यहाँ से भागे ना, ये सही चीज़ है। आ जा भाई जल्दी लेकर आ जा, अपन इसको स्पीड भी कर सकते हैं ना। हाँ ये देखो स्पीड कर दिया, अब जल्दी जल्दी लेकर आ रहा है, अब इसको थोड़ा नॉर्मल कर देते हैं। ओके ये इसको, अपने पास अभी 2.7 मिलियन डॉलर्स हैं, ठीक है बहुत बहुत सारे अपने पास, बहुत सारे अपन पार्क मतलब पार्क के अंदर डायनासोर पाल लेंगे। बट मेरे को एक चीज़ नहीं समझ आ रही, इसमें हमारी कमाई वैसी होगी जैसे मूवी के अंदर होता है? ओके गाइस डायनासोर यहाँ पर आ चुका है। ओके मैं इसके ऊपर माउस लेकर आया, तो इसके कुछ रिक्वायर्ड स्टेट्स आए हैं। आई इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज दिस, मैं इसके साथ साथ चल रहा हूँ भाई। Kind of hard to forget once you've been trapped. कितना रियलिस्टिक ग्राफिक बनाया है इस गेम के, देख रहे हो गाइस कितना रियलिस्टिक लग रहा है ये। बट ये वाला मेरे को डेंजरस लग रहा है भाई, ये देखो इसके दांत वांत बहुत खतरनाक है। इसमें अपनी कमाई कैसे होने वाली है, मतलब ये नहीं मुझे समझ आ रहा। अपने को प्लीज एक यहाँ पर फीडर डालना है अपने को, तो फीडर का एक ऑप्शन आ रहा है। ओके अपने को यहाँ पर चाहिए होगा एक फीडर। एनवायरनमेंट के अंदर यहाँ पर ट्री है, हम लोग पेड़ पौधे लगा सकते हैं। ओके एक वाटर का कुछ ऑप्शन है, ओके इसमें पानी लगा सकते हैं। ये रहा फीडर, ओके पिस्कीवर्स पता नहीं क्या है भाई। ओके ये फीडर अपने को एक लगाना है, तो हम इसको ओके ये पानी के अंदर, भाई ये भी 101,00,000 का भाई। ओके इसके अंदर कुछ मछलियाँ नजर आ रही है मुझे, वेट अच्छा इसके अंदर मछलियाँ हैं, एक दो तीन चार
यार चार पांच मछलियों की कीमत $1,00,000 सीरियसली आई थिंक ये बहुत Copy. I think okay. ये बहुत आउट ऑफ ऐसा डेजर्ट वगैरह में ना इसके लिए है यहाँ पर यहाँ पर एक रेंजर टीम जा रही है अंदर तो इसको मुझे चलाना है ठीक है इसको मैं चला रहा हूँ भाई मुझे ये ऐसे डायनासोर के अंदर क्यों भेज रहे हैं भाई मुझे डर लग रहा है ये भाई मैं तो फिर भी अंदर बैठा हूँ ये बंदे का क्या हाल है जो बाहर बैठा है मुझे कुछ तो करके आना है वहाँ पर ठीक है भाई गेम के कंट्रोल तो काफ़ी ओके वो कुछ तो खा रहा है डायनासोर कुछ तो खा रहा है मुझे करना क्या है भाई अरे भाई ओ नहीं 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 गलती हो गई माफ़ कर दो अरे भाई भाई वो गुस्सा आ गया था एकदम से उसके पास ही लेकर जाना पड़ेगा क्या देख क्यों नहीं पा रही इसको अरे नहीं पलट दिया भगा ले गए काम से अबे गेट खोलो जल्दी गेट खोलो भाई अबे खोल दो जल्दी गेट खोल दो भाई निकलो इधर से अबे यार भाई गाड़ी का एक टाकी तोड़ दी इस साइड की आगे का कांच बच गया भाई इस साइड का मरगाड़ भी तोड़ दिया ले लो पंगे डायनासोर से ठीक है ओके तो अभी मुझे एक वो आ रहा है कि उसको 95% का ये करना है कंफर्ट करना है देखते हैं अभी उसका कंफर्ट मुझे कुछ तो दिखाई दिया था कहाँ गया अब भाग तो नहीं गया अरे यार ये तोड़ के इधर ही रह गए भाई कहाँ चला गया ओ ये रहा इसका कंफर्ट 78 है ओके मिसिंग रॉक मिसिंग है यहाँ पे ठीक है इसका कंफर्ट 78% है इसको हमें 95% रखना है था ना ठीक है तो उसके लिए एनवायरनमेंट में चलते हैं हम लोग यहाँ पर और क्या क्या है ये डर्ट है कुछ तो मिट्टी वगैरह ओके पत्थर ये रहा अपने यहाँ पर पत्थर लगाने ना इसके लिए थोड़े से पत्थर लगा देते ले भाई पत्थर ले तू गुस्सा मत हो ले पत्थर बड़ा कुछ कंफर्ट कैसे पता चलेगा बड़ा कि नहीं रुको ये दूसरा टाइप का पत्थर है ये भी रख देते हैं और भाई $1,000 एक काम करते हैं सबसे बड़ा वाला पत्थर भी लगा देते हैं यहाँ पर बहुत है इतने पत्थर अब देखते हैं ज़रा कहाँ गया भाई इसका कंफर्ट तो चेक करें ये रहा ओके हो 95% कंफर्ट हो गया हेल्थ वगैरह इसकी सही है और पत्थर लगाने पड़ेंगे 93 होगा 95 करना है तो थोड़े से और पत्थर लगाने पड़ेंगे अपने को एक ही वाला पत्थर लगा देते हैं ले भाई पत्थर ले तू पहले तो हो गया पर कंफर्ट ओ 100% कंफर्ट हो गया ठीक है अब ये कंफर्टेबल हो गया तो मतलब अभी हम लोग यहाँ पर गाड़ी लाकर इसका मुआयना कर सकते हैं देख सकते हैं कि इसको कोई बीमारी या फिर इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है अच्छा जैसे ये 95% हुआ गाइस इस साइड देखो नीचे यहाँ पर टाइमिंग शुरू हो गई आई थिंक वो 30 सेकंड थी अब इसको हमें 30 सेकंड तक अगर हम इसको ऐसे रख पाएंगे कंफर्ट रख पाएंगे तो शायद आगे का मिशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा लेट्स सी क्या होता है आई थिंक मेरे पास $3 million थे और अभी वो कम रह के 2.6 million हो गए और कुछ तो हो गया यहाँ पर क्या करना भाई ओ यहाँ पर कंस्ट्रक्ट आर रेंजर पोस्ट विद इन एनक्लोजर ओके यहाँ पर एक रेंजर पोस्ट है जो कि अपने को ये इसको इस पे यहाँ पर लगा देते हैं थोड़ा इस तरीके से लगाते हैं कि पूरे एरिया को कवर करे तो यहाँ पर लगाते हैं इसको अब ये पूरे एरिया को कवर कर रहा है ना नो टीम असाइंड ओके असाइन अ रेंजर टीम टू पेट्रोल ठीक है आपने को एक टीम असाइन करनी है टीम कहाँ पर है मगर इसमें टीम है ओके एड अ टास्क कैप्चर टीम वन इस टीम का नाम है ठीक है कैप्चर टीम वन इसको अपने को टास्क देना है तो टास्क क्या दें मगर टास्क ऑप्शन ही नहीं आ रहा भाई अच्छा रेंजर टीम को करना है यहाँ से मैं चेंज कर लिया और इसको व्यू पेट्रोल असाइन कैसे करूँ इसको असाइन करना है ना अपने को एक काम हाँ यहाँ से एक टीम असाइन करनी है ऐड अ रेंजर टीम ठीक है यहाँ से मैं असाइन कर सकता हूँ हमारे पास एक ही गाड़ी है तो मैं इसको असाइन कर देता हूँ ठीक है ओके अब मैं ज़रा चेक करता हूँ ओके एक गाड़ी अपने आप जाने लगी ये ओके सही हो गया
हमने मतलब अंदर एक पूछ लगा दिया, वो अपने आप उससे जाएंगे और मुआयना करके वापस आ जाएंगे। एक बार जरा देखते हैं भाई, पानी के अंदर से क्यों जा रहा है, बाहर से ले जा, भाग भी नहीं पाएगा अगर उसने हमला कर दिया तो। The more threatened the dinosaurs feel, the more hostile they'll become. Okay. Especially if they sense survival is at stake. Okay. But it is. Okay, ले ली इन्होंने अंदर से जानकारी ले ली, ये वापस जा रहे हैं। Well, for now, anyway. ठीक है, ये वापस जा रहे हैं। Dinosaurs from the helicopter. ये वापस जा रहे हैं भाई। And then have a transport team bring it back to the facility. Great. Do it. अबे ये डायनासोर के पास क्यों जा रहा है? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है ये? अभी वैसे डायनासोर हमला नहीं करेगा क्योंकि हमने उसको कंफर्टेबल कर दिया यहाँ पर पूरा। वो देखो आराम से बैठ गया जाके, गाड़ी से भी नहीं डरा वो इस बार तो। ठीक है, पिछली बार तो भाई टक्कर वक्कर मार दी थी, मेरे को चोटें वोटें पहुँचा दी थी उसने। चलो भाई ये काम हमारा हो चुका है, ठीक है। बट हमें और डायनासोर ला कर भी रखने होंगे ना, एक ही डायनासोर से थोड़ी होगा, अपने को यहाँ पर पूरा पार्क बनाना है। गेट बंद कर दे भाई, गेट बंद हो चुका है, ठीक है। अब बाकी चीज़ों का काम क्या है हमें वो भी देखना पड़ेगा। यहाँ पर एक कंट्रोल सेंटर है जिसका मुझे कोई अभी काम नज़र नहीं आ रहा है, और ये हमने इमरजेंसी शेल्टर लगाया हुआ है। इमरजेंसी शेल्टर का क्या काम है भाई, अभी तक कुछ भी इनका काम नहीं बताया। लोकेट एंड ट्रांसिक्वलाइज द नियर बाय वाइल्ड। ओके, अब अपने को आसपास के और डायनासोर ढूंढने हैं, उनको भी यहाँ पर लेकर आना है। तो मैप के अंदर हमें वाइल्ड एरिया दिखा रहा है, उन्होंने बोला वाइल्ड एरिया में जाकर हमें और ट्राइसेराटॉप्स, ये मुझे लग रहा है डायनासोर की नस्ल है, तो अपने को और ज़्यादा डायनासोर ढूंढने पड़ेंगे। यहाँ पर कोई डायनासोर है नहीं। ओके गाइस, मुझे यहाँ पर तीन तीन डायनासोर नज़र आ रहे हैं जो कि मेरे को थोड़े से अलग प्रजाति के लग रहे हैं भाई। ये देखो, ये थोड़े अलग प्रजाति के लग रहे हैं मुझे, ये सींग वाले हैं ना, और ये मुझे लग रहा नहीं कि हमला करने वाले हैं, ये तो एकदम शांत टाइप के लग रहे हैं। ओके, ये रहा एक सो रहा है यहाँ पर, इनको लेकर कैसे जाएंगे भाई? ओ समझ गया, इनको हमें वैसे ही आना पड़ेगा, एक हेलीकॉप्टर लेकर आना पड़ेगा, और हेलीकॉप्टर से अपने को इनको वापस लेकर जाना पड़ेगा। मैं इसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकता अभी, तो कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे वहीं से एक हेलीकॉप्टर लेकर आना पड़ेगा। अपनी ये रही फैसिलिटी से हम लोग एक हेलीकॉप्टर लेकर आते हैं। कैप्चर टीम स्टैंड बाय है, तो कैप्चर टीम को मैं टास्क भी दे सकता हूँ, ऐड टास्क कर सकते हैं। एक काम करता हूँ, मैं ही चला के लेके जाता हूँ, मैं चला के लेके जाऊँगा तो मज़ा आएगा। चल अभी उड़ जा, उड़ जा, उड़ ही नहीं रहा, उड़ गया उड़ गया उड़ गया उड़ गया। चलो गाइस, अब अपने को जाकर लेकर आना है तीन डायनासोर को। ये रहे तीन डायनासोर भाई, इसके अंदर तो फिर बहुत सारे डायनासोर रहने वाले हैं गाइस, मज़ा आने वाला है फिर तो, बहुत तरह तरह के। ये तो अभी सबसे छोटे वाले हैं मुझे लग रहा है, इससे बड़े बड़े डायनासोर कितने बड़े बड़े हो जाएंगे यार। ओके, मैं किस तरह बैठा हूँ, इस तरह बैठा हूँ ना, तीनों एक साथ ही है, ठीक है। उसको भी लग गया, तीसरे को भी लग गया। ओके, ये वाला गया, एक तो हो गया भाई, घुमा ले हेलीकॉप्टर, घुमा ले, मुझे घुमाना पड़ेगा। ओके, ये वाला तो गिर गया, अब अपने को इन दोनों को लेना है। ओके, लग गई हिट, और उसको भी लग गई। चलो भाई लेट्स गो गाइस, ये रहे दो और तीसरा ये रहा। अब अपने को इनको यहाँ से ट्रांसफ़र करवाना है ना, ट्रांसफ़र करवाने के लिए हमें ये क्या है, चलो वहाँ चलते हैं पहले तो। अबे हेलीकॉप्टर लेके मुझे छोड़ के चले गए यहीं पे, अबे हेलीकॉप्टर अपने आप ही जा रहा है। ओके, कंस्ट्रक्ट अ न्यू इनक्लोजर एंड ट्रांसपोर्ट द, ओके जो नए वाले डायनासोर्स हैं उनको हमें एक नया यहाँ पर गार्डन मतलब पार्क टाइप वो बनाना है, और उसके अंदर उनको शिफ्ट करना है। यहाँ पर गाइस मुझे नज़र आ रहा है गेट वगैरह बना हुआ है, आधा अधूरा ये बना हुआ है, अपने को इसको और, ये देखो इस तरफ का आधा अधूरा बना हुआ है, इसको अपने को और बनाना है एक और पार्क। तो अभी यार देखो, एक पार्क एक मतलब एक डायनासोर के लिए ये इतना सा है, तो तीन के लिए इससे ट्रिपल होना चाहिए ना, या तो एटलीस्ट डबल तो होना चाहिए। और ये बनेगा कैसे यहाँ पर, ठीक है। ओके, फेंसेस है यहाँ पर, हम लोग फेंसेस को इनक्रीज कर सकते हैं क्या? ओ यहाँ से मैं ठीक है, ओ भाई सही है, ये उसके डबल हो गया ना। वैसे अपने को अपने एरिया के हिसाब से करना पड़ेगा, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक, ये यहाँ तक, ठीक है, ये सीधा ही बन रहा है ना, लेट्स गो।
अब मैं इस वाले को भी इधर से ले आता हूँ। वैसे इसका गेट है यहाँ पर, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये यहाँ तक, यहाँ तक, एंड लग गया। आई थिंक डन है, अपना इनक्लोजर बन चुका है। बट भाई ये अच्छा फेंस बाद में लग रही है, मैं वही सोचूं ये क्या हो गया। लग गई, लग गई, लग गई, और ये पूरा कवर हो जाएगा। डन डन। बट अब भाई इसके अंदर तो पानी वानी कुछ भी नहीं है। इसके अंदर जैसे पेड़ पौधे इतने लगे हुए हैं, बट इसके अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। गेट सिर्फ एक बना हुआ है, और गेट के लिए रास्ता भी तो बनाना पड़ेगा भाई। ये रास्ता, इसमें पाथ का ऑप्शन था कहीं, तो ये रहा। तो अपने को ये पाथ सीधा सीधा लेकर जाना है ऐसे, ये यहाँ तक लाते हैं, और नहीं यहाँ तक, एक मिनट, यहाँ से सीधा यहाँ तक कर देते हैं। चलो इसका भी गेट बन गया, ठीक है। अब अपने को इसके अंदर पानी वगैरह रखना है जी। अच्छा रिप्लेस का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर एनवायरनमेंट वगैरह सेट करना है अपने को, पत्थर पेड़ पौधे सब लगाना है ना। तो एक काम करते हैं, पहले इसके अंदर यहाँ से ब्रश का साइज इंक्रीज कर लेते हैं, इस साइड ये लगा देते हैं, थोड़े से ये लगा देते हैं, और सेंटर की साइड हम लोग पानी लगा देंगे। यहाँ पर ये पौधे लगा देते हैं भाई, ये सब लगाने के पैसे भी बहुत लग रहे हैं पता है। चलो ये लगा दिए मैंने पौधे बहुत सारे, और क्या ऑप्शंस है? ओ यहाँ पर और भी बहुत सारे भाई, अलग अलग प्रकार के हैं। ये देखो, ये देखो, बट रुको अपने को और भी चीज़ें लगानी है भाई। पानी का फीडर, पानी है क्या ये? ओ ओके, तो इसके बीच में अपन पानी छोड़ देते हैं थोड़ा सा, इतना सा पानी मेरे ख्याल से काफ़ी रहेगा, इतना पानी है ना। और ये क्या है? ठीक है ये कुछ नहीं, ये एक है पानी का फीडर हो जाएगा इसके लिए, ये पानी का फीडर लगा दिया। वैसे हमको पता है ये वाला एरिया लेना चाहिए था, बट ये हमारे इसके एरिया के बाहर जा रहा था ना, ये वाइट लाइन जो दिख रही है रेड वाली, इसके बाहर हम जा नहीं सकते मेरे ख्याल से। चलो ये भी लग गया, और क्या है भाई ये पता नहीं, अभी ज़रूरत नहीं है, पत्थर वगैरह लगाने पड़ेंगे। पत्थर तो एक काम करते हैं बड़े वाले ही लगा देते हैं, एक दो तीन चार बड़े पत्थर लगा देते हैं, और ये वाले थोड़े से लगा देते हैं इधर, और फिर एक ये वाले लगा देते हैं छोटे वाले, पानी के अंदर भी एक दो रख देते हैं। आई थिंक इतने काफ़ी हो जाएंगे यार, इतने बहुत है ना। अब एक काम करते हैं, अब हमें भाई इनको जो डायनासोर्स हैं नए वाले, उनको इस तरफ शिफ्ट करना है। कहाँ गए भाई? उनको ये पड़े, ज़्यादा दूर है नहीं, तो हमें ये ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन लेना था और इसको मार्क करना था। ओके ये लग गया। अच्छा इसको अब, हाँ ठीक है समझ गया मैं, इसको मुझे ये लाइन को उठा के लाना है और इसको पार्क के अंदर छोड़ देना है, ठीक है। अब देखते हैं हेलीकॉप्टर आया क्या उसके लिए। ओ आ गया भाई, आ गया आ गया आ गया, गया। चल भाई जल्दी जल्दी ले जा इसको, इसको अपन एक काम करते हैं फास्ट करते हैं, चल 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 जल्दी जल्दी जल्दी। मैंने गेम को 3x पे चला दिया है गाइस। अगर गेम प्ले देखने में मजा आ रहा है, यहाँ तक अगर वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना सारे बंदे, फिर हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे भाई, ठीक है। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना ये सीरीज़ आपको कैसे लग रही है, फिर मैं इस सीरीज़ को जुरासिक वर्ल्ड को कंटिन्यू करूँगा आगे हम लोग, ठीक है। इस पार्क को और ज़्यादा एस्टेब्लिश करेंगे और बड़ा बना देंगे। अब हमें ये देखना है कि जो ये वाला कंफर्टेबल है कि नहीं है। रिक्वायर स्टेटस चेक, अच्छा इसको स्टेटस चेक करना है, तो इसके लिए हमें वो जो हमने उस पर लगाया था वो लगाना पड़ेगा, किसमें था वो, ये रहा। तो इसका इसका भी रेडिएशन रेडियस होता है भाई, तो इसको हम लोग इस तरफ लगा देते हैं, ये लग गया, ठीक है। इस पर इसको अब मुझे इसको एक टीम असाइन करनी पड़ेगी, मे बी इसको रेंजर टीम या कैप्चर टीम, रेंजर टीम असाइन करनी होगी ना, तो ये असाइन कर देते हैं। अब देखते हैं आती है क्या कोई गाड़ी, आ रही है क्या कोई गाड़ी। Overall, I'd say our operations are improving. I'm confident we may get a handle on this yet. ओके कुछ तो ऑप्शन आया भाई। फैसिलिटीज ये क्या काम करती है? अपलेट ऑन दैट प्रोवाइड क्लोज डिस्टेंस डायनासोर्स विजिबल ऑपरेशन। ओके तो ये नजर रखने के लिए है, तो कहां रखेंगे? The DFW staff can use to monitor the animals. ओके ये इनको मॉनिटर करने के लिए है, तो कुछ ऐसी जगह पे लगाना पड़ेगा ताकि ये दोनों तरफ के एनिमल्स को नजर में रख सके ना। ओके तो हमारा ये लग चुका है, अब इसको जगह देनी पड़ेगी, पाथ देना पड़ेगा इसको, किस तरफ से, यहाँ से चाहिए ना इसको, यहाँ से पहले ये पाथ दे देते हैं यहाँ तक, बट इसको कहाँ तक देना है पाथ, कनेक्ट किसके साथ करना है इसको, मुझे वो समझ नहीं आ रहा। हो गया आई थिंक ये हमने रोड्स को कनेक्ट कर दिया है जैसे तैसे करके, ठीक है। अब हमें चेक करना है भाई, ये काम हमारा हो चुका है। अभी क्या अपने को इंश्योर करना है कि ये जो है
ये इससे सारे डायनासोर विजिबल रहे हैं, बट अब ये कैसे होगा भाई? इसको दो डायनासोर विजिबल हो रहे हैं, इसको पावर रिक्वायर्ड, पावर चाहिए, बट पावर तो है यहाँ पर। आई डोंट थिंक कि पावर की कोई कमी होने वाली है, पावर तो है यहाँ पर। मुझे इसको एक मिनट ज़रा स्लो स्पीड पे चलाने दो। देखो पावर तो इसको जो चाहिए वो मिल रही है, बट विजिबल डायनासोर 2 है, लोकल डायनासोर अपील। अच्छा, इसको बाकी के लोकल भी डायनासोर दिख रहे हैं भाई, 434, पर जो हमारे विजिबल है इसको वो दो ही दिख रहे हैं यार। उसका क्या करेंगे गाइस, इसको कैसे मेंटेन करेंगे हम लोग? मेरे ख्याल से ये हमें फिर दो लगाना पड़ेगा। ये शो मोर पे क्या आ रहा है? वेट, इसके अंदर लोग काम कर रहे हैं ना, इसको मेरे ख्याल से अपने को मूव करना पड़ेगा। इसको मैं यहाँ मूव कर देता हूँ, ठीक है। और मुझे शायद एक और लगाना पड़ेगा जिससे कि इधर वाले भी विजिबल होंगे, मे बी। ये मैंने बना दिया, अब मे बी इसको सारे डायनासोर दिख रहे हैं। अब इसको पाथ नहीं दिया मैंने, ये काम ही नहीं कर रहा, इसीलिए ये कनेक्टेड। अब ठीक है, अब देखते हैं ज़रा कितने डायनासोर दिख रहे हैं। अरे इसको एक दिख रहा है, ठीक है चलो, इसको तो एक ही दिखना चाहिए, ठीक है। इस वाले को कितने दिख रहे हैं? इसको तीन दिखने चाहिए, हाँ इसको तीन दिख रहे हैं। चलो अपना काम हो चुका है, कंस्ट्रक्ट एन ऑपरेशनल एक्सपीडिशन सेंटर। ओके, ऑपरेशनल एक्सपीडिशन सेंटर लगाना है हमें। एक कौन सा है? ये रहा, एक ये लगाना है, और एक रिस्पांस फैकल्टी है। ये तो ऑलरेडी हमारे पास लगा हुआ है ना, अपने को शायद एक और ऐड करवाना है। ये लग गया यहाँ पर, अब इसको बस मुझे एक रास्ता देना पड़ेगा। यार अगर हम इतनी चीज़ें लगा रहे हैं तो इनको बिजली वगैरह का, ये देखो हो गया ना सीन, वही क्या हो गया सीन, फ्यूल कम है, इसको फ्यूल चाहिए भाई। फ्यूल रीसप्लाई कर देते हैं, फ्यूल की फुल कर देते हैं। चलो फ्यूल फुल कर दिया है, ठीक है यहाँ तक बिजली। अच्छा ये जो जनरेटर है इसका भी एरिया, ये इतने एरिया में ही बिजली देगा, तो फिर यहाँ पर बिजली कैसे आ रही है भाई? पता नहीं कैसे आ रही है। तो अभी हमारा ये एक और जो ऑपरेशनल ये बन चुका है। तो गाइस यहाँ पर हमने जो ये लगा तो दिया, अब इसके अंदर हमें साइंटिस्ट चाहिए जो कि आ गए भाई अपने आप। भाई ये साइंटिस्ट हैं, ये साइंटिस्ट हैं लोग हैं ये, भाई समझ नहीं आ रहा मुझे, ये लोग घूमने के लिए आए हैं क्या? पर इस सबकी एक जैसी यूनिफॉर्म क्यों है फिर? ये तो देखना पड़ेगा। ओके ठीक है, अपने को यहाँ पर जाकर पहले तो इनको असाइन करने होंगे नए जो साइंटिस्ट हैं। तो ये हमने नया लगाया, और इसके अंदर अनलॉक है चीज़ें यार। वेट, डीएक्टिवेट मूव बिल्डिंग, और यहाँ पर ऑब्टेन अ डायनासोर फॉसिल। ओके इसको गाइस हमने को टीम्स असाइन करनी पड़ेगी, कैप्चर टीम असाइन करनी पड़ेगी एक, तो इसको मैं एक कैप्चर टीम भी असाइन कर देता हूँ। और इस वाले को भी हमने कुछ असाइन नहीं किया अभी तक, इस वाले को मैंने क्या क्या असाइन किया हुआ था, एक कैप्चर टीम इसको भी असाइन कर देते हैं, ठीक है। दोनों को एक एक टीम असाइन की हुई है, एक रेंजर टीम और एक एमवीयू टीम, पता नहीं क्या क्या होता भाई। ओके गाइज ये देखो, ये डायनासोर तो भाई एकदम कंफर्टेबल हो गए हैं यहाँ पर आकर, 100% कंफर्टेबल है, 100% हेल्थ है। ये वाले जो है हमारे इधर हमने नए डायनासोर रखे थे, और ये वाले की ये भी बिल्कुल सही है, एकदम 100% कंफर्टेबल और 100% हेल्थ है। तो अब हमने जो नया वाला ये एरिया लगाया है, इसका नाम क्या था भाई? एक्सपीडिशन सेंटर हमने जो नया लगाया था। अब इसके लिए हमें स्टॉर्म प्रोटेक्शन 0 है इस पर, ओवरव्यू क्या है, ऑब्टेन डायनासोर फॉसिल्स एंड एम्बर बाय डिस्पैचिंग डिग टीम्स टू साइट अराउंड द वर्ल्ड, फाइंड एंड इनेबल लाइव कैप्चर एक्सपीडिशंस। गाइस ये तो पूरा वर्ल्ड का मैप आ गया यार, यहाँ पर देखो ये हमारा इंडिया भी है यहाँ पर। इसमें कुछ तो फिल्टर विल्टर आ रहा है भाई, क्या करना है इसको मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ, ये चीज़ तो मुझे समझ नहीं आ रही। बट मुझे यहाँ पर नए साइंटिस्ट साइन करने के लिए कह रहा है, रिक्रूट न्यू साइंटिस्ट। अहो ये कुछ तो मुझे जानकारी दे रहा है, मिशन है। तो बेसिकली गाइस अभी हमें ये वाली जो हमने नई जो एक्सपीडिशन सेंटर लगाया है, इसके लिए हमें साइंटिस्ट हायर करने के लिए कह रहा है, तो वो हमें होगा कंट्रोल सेंटर के अंदर। तो हम चलते हैं यहाँ पर, कंट्रोल सेंटर कौन सा है? ये रिस्पांस फैसिलिटी है, ये इमरजेंसी शेल्टर है, ये रहा कंट्रोल सेंटर। तो कंट्रोल सेंटर में स्टाफ रिक्वायर्ड 2 आ रहा है, तो हमें यहाँ पर वही आई थिंक वो जो साइंटिस्ट को करना है वो करना पड़ेगा यहाँ पर हायर, रिक्रूट अ न्यू साइंटिस्ट। ओके अच्छा भाई यहाँ पर तीन तीन साइंटिस्ट आ गए, और इनकी सैलरी यहाँ पर मैंशन है भाई, 2,32,189,300। भाई कितनी सैलरी होती है इनकी? ठीक है इनकी रेटिंग वगैरह दी हुई है,
आई थिंक सबसे बेस्ट ये वाली लग रही है मुझे, 189 वाला। एक तो ये कर लेते हैं, 189 है इनका पर मिनट कॉस्ट। भाई पर मिनट का कॉस्ट $9,450। ओके ठीक है, एक हमने असाइन कर दिया, एक और करना पड़ेगा इनमें से। ये मेरे को I sure am. Okay. This is our first live capture opportunity. Okay. Let's not miss it. तो फिर अभी एक कौन सा लें भाई, ये वाला ले लेते हैं भाई। ज़्यादा मेरे को बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना है अभी के लिए। हमने दो साइंटिस्ट को कर लिया है। I think you're still muted. Okay. Oh, yeah. Sorry. Good idea. तो यहाँ पर लोग तो घूम रहे हैं भाई, इनको असाइन वगैरह कैसे करना? Oh, ये क्या भाई? Incident alert हुआ कुछ तो? Okay, कुछ तो हुआ भाई, कुछ तो हुआ। यहाँ पर क्या हो गया भाई? तो मैप के ऊपर हुआ है कुछ तो। किसको देना है पॉजिटिव इन्फ्लुएंस? ठीक है, इसको असाइन कर देते हैं। और स्टार्ट टास्क $50,000। व्हाई पॉज क्यों है ये? फॉर द रिमोट कैप्चर टीम्स रिटर्न वी शुड हैव एनक्लोजर्स रेडी फॉर द डायनासोर्स। ओके यहां पर कुछ तो हुआ एकदम से। और ठीक है, ये जा रहे हैं शायद यहां पर। इसको अपने बंद कर देते हैं। अभी हमने असाइन कर दिया ना एक। हाँ ठीक है, एक्सपेडिशन इज इन वर्क। यहां से साइंटिस्ट को लेकर उड़ गया ये वाला जो हेलीकॉप्टर है हमारा। तो ठीक है, अभी के लिए मेरे ख्याल से हमारा काम सो है सही चल रहा है। हमने काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा भी लिए क्या? 3.5 मिलियन कैसे हो गए भाई ये? 35 लाख कब हो गए? हमारे तो कम हो गए थे ये। आई थिंक हमारी कमाई हो भी रही है, सरकार हमें पैसे वगैरह दे रही है, क्योंकि अभी तक लोग तो घूमने के लिए नहीं आ रहे हमारे जुरासिक पार्क के अंदर। तो गाइस आज वाले एपिसोड को करते हैं यहीं पर रैप अप। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है ये गेम खेलने में। तो बाकी आप लोग बताओ मुझे, मैं क्या मिस कर रहा हूँ, क्या मुझे और करना चाहिए इसके अंदर, है ना? आप लोगों ने अगर ये गेम प्ले देखा है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताओ। और बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में गाइस। मेक श्योर के सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे मज़ेदार कॉमेंट कॉन्टेंट के लिए। और बाकी कॉमेंट करके बता ही दोगे आप लोग, लाइक वाइक कर देना। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो, insta_JDGaming, यहाँ पर आपको दिख जाएगा मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।